सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो था कि वेंडर जो पूछ रहा था आपसे कि विक्रेता कहता है कि भाई अमित शौकी से जोड़ने से मुझे क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, तो आपको सबसे पहले उसको लाभ बताना आंसर है। एनवी शॉपी के साथ जुड़ने से आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। क्या बिक जाएगी? एनवी शॉपी के साथ जुड़ने से आपकी सेल बढ़ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वेंडर से व्हाट इज माय प्रॉफिट टू ज्वाइन विद एनवी शॉपी, यानी के जो दुकानदार है वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा है। फिर आपने उसको आंसर दिया कि एनवी शॉपी के साथ जुड़ने से आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। अब बिक्री तो बढ़ गई, चलो समझ में आ गया बिक्री बढ़ गई, फायदा बताओ भी समझ में नहीं आया उसको अभी भी। वो कहता है बिक्री बढ़ गई सही है, लेकिन फायदा समझ में अभी भी उसको नहीं आया। तो फायदा क्या है? कनेक्टिंग विद एनवी शॉपी विल इंक्रीज योर सेल। अब आती है बात कि बेनिफिट वो पूछना चाहता ब्रीफ में, आपको खुल के बताओ भाई, ऐसे समझ में नहीं आया कि बिक्री बढ़ जाएगी ये कोई बात नहीं। चलिए तो खुल के बताते हैं। यू मान लेते हैं उसको बताइए, मान लेते हैं आप, आपकी है दुकान, ठीक है जी। अब ये दुकान है तो ग्राहक यहाँ आते होंगे पहले से आपके पास, हो सकता है पहले से 100 ग्राहक हैं आपके पास, तो 100 ग्राहक आप सामान खरीद रहे थे, लेकिन 100 ग्राहक से आप सामान खरीद तो रहे थे माय डियर फ्रेंड, उनसे बोलिएगा कि सर आप 100 ग्राहक से सामान खरीद तो रहे थे 100 ग्राहक के लिए, क्या 100 ग्राहक पे आपको उतना मार्जिन मिलता है जितना एक डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर सुपर स्टॉकिस्ट को मिलता है? तो बोलेगा नहीं। आप उसे क्या बोल रहे हैं? आप सर 100 ग्राहक से भी आप कम कमाते हैं, क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपके 100 ग्राहक पहले ही खरीदारी कर रहे थे लेकिन आप कम लाभ कमा रहे हैं। अब सुनेगा वो आपकी बात, ये जो लाइन है इस लाइन को जब आप बोलेंगे तब सुनेगा बात। ऐसा कैसे? वो तो अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझ रहा था, आपसे बात करने से पहले अपने आप को बहुत चाणक्य समझ रहा था, तो वो क्या कहेगा? आपके सुनने ही नहीं चाहेगा। आप कह रहे हैं मैं ग्राहक बढ़ा दूंगा, शॉपिंग बढ़ा दूंगा, आपके शेयर मतलब परचेसिंग बढ़ा दूंगा, अरे क्या फालतू की बातें कर रहा है। लेकिन जब आप उसे बोलते हो कि सर चलो छोड़ो मेरे बढ़ाने या ना बढ़ाने पे, अभी आप 100 ग्राहक ही जो आपके यहाँ आते हैं उनसे भी आपको लाभ कम मिलता है, मुनाफा कम मिलता है, तो पूछेगा कैसे? पूछेगा नहीं पूछेगा? ये कौन है? ये वो व्यक्ति है, बाल नोचने लगेगा, ऐसा कैसे कि मैं कम कैसे कमा रहा हूं? और ये कौन समझा रहा है? रोड पे चलता हुआ बच्चा, हमारा लीडर फाइटर, ये वो समझा रहा है। तो अब पॉइंट ये था कि उसको जरूर आपके साथ बैठ के बात करने में मजा आने, और यही तो चाहिए था हमें, ये हमें सुने तो पॉइंट्स है। चलिए आगे चलते, उदाहरण के तौर पे आप क्या समझाएंगे उसको कि भाई क्यों नुकसान हो रहा है? नुकसान क्यों हो रहा है ऐसे समझते हैं। 100 ग्राहक के लिए आप खरीदारी करते थे, मान लेते हैं 24 पीस, समझिएगा बात को, आपके 100 ग्राहक थे उनके लिए आपने खरीदारी की 24 पीस की। ये हो सकता है लक्स है, कोलगेट है, फेयर लवली है, डव है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के 24 पीस आप लेकर आए। तो यहाँ क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जितना आप खरीदते हैं उसी हिसाब से आपको मार्जिन मिलता है। अगर आप कम खरीदेंगे तो कम मार्जिन मिलेगा, ज्यादा खरीदेंगे तो आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। समझ पा रही बात? मेरी बात को समझ रहे? व्हाट इज माय पॉइंट? हेलो एवरीवन, अगर आप लोग जो अपने चैट पे भी थोड़ा सा मुझे अपना उपस्थिति बताते रहेंगे तो मजा ज्यादा आएगा, क्योंकि यस या नो का जवाब इसलिए नहीं मिलेगा कि मैंने सभी को म्यूट कर रखा है, लेकिन चैट पे आप लोग पूरे तरीके से आजाद है तो वहां पे अपने एक्साइटमेंट को बता सकते हैं, अपने भाव को समझा सकते हैं, बुरा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद, तो मेरी भी एनर्जी फिर बढ़ती चली जाती है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अब बात करते हैं हम इस पॉइंट पर कि 24 पीस वो अगर खरीद रहा था तो 10% का मार्जिन मान लो मिलता है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें फिक्स कुछ नहीं बताना, मान लो जरूर लगाना, वरना वो आपको पकड़ के बैठ जाएगा कि कुछ ही प्रोडक्ट में ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा इसमें तो ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं करते, वैसा करते, अपने को उलझना नहीं किसी बात, समझ रहे हैं बात को। चाणक्य जी ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है, बस समाधान निकालने की कोशिश कीजिए, अपना काम निकालने की कोशिश कीजिए। तो हम बुजुर्गों की बातों पर क्यों नहीं सुनते? हम बुजुर्गों की बातें क्यों नहीं सुनते, वो फॉलो क्यों नहीं करते, हम लड़ने क्यों शुरू कर देते हैं? चलिए
इतने ध्यान देखते हैं, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कही तो उनको फोकस करते हैं। तो पॉइंट था कि 10% मान लीजिए कि आप 10% कमा रहे थे 24 पीस। अब यही पे इन्हीं 24 पीस पे आपको सर मार्जिन ज्यादा आ सकता था, लेकिन 24 पीस पे नहीं मिल पाता। अगर ये प्रोडक्ट आप 100 ग्राहक के लिए जगह आप 1000 ग्राहक के लिए खरीदते तो ये प्रोडक्ट 24 की जगह हो सकता है। आप यहाँ पर 1000 प्रोडक्ट खरीदते, 2000 प्रोडक्ट खरीदते या 500 प्रोडक्ट खरीदते या 100 प्रोडक्ट खरीदते तो मार्जिन 18% भी आ सकता था। समझेगा मेरी बात को? हिंदी में वैसे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप ये किस लैंग्वेज में समझाना चाहे समझा सकते हैं, मैं आपको अपने तरीके से समझा उस चीज को समझ सकते हैं आप। 24 पीस एक व्यक्ति खरीदा है, 10% का मार्जिन मिल रहा है, मैं जल्दी खत्म करना है तो मैं आपको लिखी हुई बातों से रट्टी कटाई बातों से बात कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपके दिमाग में पहुंचनी चाहिए चीजें, ब्रेन के अंदर सेट होनी चाहिए, बैठेंगी तभी आप किसी के साथ बैठ कर डिस्कस कर पाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार का सदस्य अगर कहीं बैठे तो वो शर्मिंदा होकर वापस जुड़े या ना जुड़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोले यार तुम्हारा कॉन्सेप्ट में दम है, तुम में दम, मजा तब आए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 24 पीस पे 10% मार्जिन मिल रहा था, लेकिन यहीं पर अगर वो 1000 ग्राहक के लिए सामान खरीदता तो इन प्रोडक्ट्स पे 18% का मार्जिन मिल सकता था, 18% तक का मार्जिन मिल सकता था। आप क्या समझाना चाह रहे हैं कि सर इस पे 18% तक का मार्जिन है, लेकिन क्योंकि आप 24 पीस ही खरीदते हो इसलिए आपको नुकसान है 8% का। कितने का? 8% का। उसने हमसे क्या क्वेश्चन किया था, समझते हैं बात। उसने ऊपर क्या क्वेश्चन किया था दुकानदार हमसे, विक्रेता कहता है कि एनवी शॉपी के साथ जुड़ने से मेरा क्या फायदा है, ये तो पूछ रहा था ना वो हमसे। तो हम उसे बता रहे हैं कि आपको हमारे जुड़ने से क्या फायदा होने वाला है, आपके पुराने ग्राहक पे भी इनकम आएगी आपको जो आप अभी तक नुकसान के रूप में जा रहे हैं। अब उसे बताइए कि आप समय तो पूरा दे रहे हैं, दुकान में बैठे हुए समय पूरा दे रहे होंगे, आपका किराया पूरा जा रहा होगा, खर्चे पूरे हो रहे होंगे, लड़के रखे होंगे कुछ ना कुछ, तो आप ये सब कुछ तो पहले से ही कर रहे हो, आप नुकसान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो सर? क्यों ना हमारे साथ जुड़ जाओ, हम अपने कस्टमर आपके साथ शेयर करते हैं। क्या कहेंगे? हम अपने कस्टमर आपके साथ शेयर करते हैं, एनवी शॉप अपने कस्टमर आपको देगी, पूरी इंडिया में फ्री में प्रमोशन कर रही है, पहली चीज तो 7 किलोमीटर तक का ग्राहक क्या आपके दुकान पर आ सकता है? अब यहाँ समझाना क्या हमारे फायदे हमारे बेनिफिट, अब समझाने उसको जब वो समझने को तैयार हो। समझने से पहले की भूमिका बनानी पड़ेगी आपको। कहते हैं मूवी दिखाने से पहले टीजर दिखाया जाता है, ट्रेलर दिखाया जाता है, पता है? सही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले देखते ना आप मार्केट के अंदर धड़ाधड़ाधड़ा अच्छी अच्छी पॉइंट्स आते हैं, डक 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 आपके सामने आते हैं, ओ इसने फाइट की, इसने मारा, इसने प्यार किया, इसने ये किया, इसने वो किया, क्या होता है आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है, इसको तो देखना चाहिए यार, फटाक से टिकट बुक करते हैं, वहाँ से पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? प्रोमो क्यों दिखाया जाता है? हमारे अंदर जिज्ञासा, समझ रहे बात को, उसके प्रति जिज्ञासा मतलब उत्सुकता उसके अंदर बढ़ाई दी जाती है कि भैया बिना इसके देखे मजा नहीं आने वाला, समझ में आ रही बात? उसको इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्रिएट कराने की हमें वो चीज दी जाती है। मेरे ख्याल से आप अच्छे सेल्समैन आप बन जाएंगे अगर ये चीज सीख जाएंगे। वैसे बहुत लोग काफी अच्छा पैसा लेते हैं, मैंने बहुत अच्छे पैसे देखे ये सब चीजें सीखी है। आप लोग घर बैठ के टाइम दे दीजिए प्रभु, इतना ही बहुत है। आपका इन्वेस्टमेंट इतना ही बहुत है कि आप उतना समय दीजिए और सुनिए चीजों को और अप्लाई कीजिएगा, तब रिप्लाई मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। बड़े बड़े महान गुरु मर गए बेचारे बताते हुए, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनके शिष्यों ने तो वे कहीं के नहीं। आगे चलते हैं। तो पॉइंट था कि आपके साथ आप उसको ये बता रहे हैं शॉपकीपर को, देखिए हमारे साथ जुड़ने से आपको ये फायदा है कि आप पहले से जो लॉस में चल रहे थे आप प्रॉफिट में आए, पहली चीज। आप वो कहेगा कैसे? तो आप ये कहिए कि कंपनी अपने ग्राहक देगी तो आपकी सेल बढ़ेगी, जब सेल बढ़ेगी तो आपकी परचेस बढ़ जाएगी, खरीदारी बढ़ जाएगी, जब खरीदारी करने जाओगे आप 24 की जगह 100 पीस खरीदोगे तो अब आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इट मीन्स कि उन 24% पे भी अब आपको मार्जिन ज्यादा आया। कितने पे आया? जो आपके 24 पीस पहले बिक रहे थे उन पे मार्जिन ज्यादा आया। इसका मतलब कि आप अब हमारे साथ प्रॉफिट में हैं। पहली बात ये, हम लेन देन की बात नहीं कर रहे, पहले उसकी बात करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि कंपनी क्यों अपने ग्राहक आपको शेयर करेगी। आप अगर कंपनी को आज 7% देते हैं, हम 12% पे काम करते हैं, लेकिन कंपनी अभी 7% पे ही काम कर रही है, आपके यहाँ ग्राहक बना रही है,
जब ग्राहक बन जाएंगे तो खरीदारी भी हमसे कीजिए और सेल भी हमारे लोगों को कर दीजिए। कंपनी वो फॉर्मेट पे काम कर रही है, तो हमसे जुड़ने से क्या फायदा होगा कि आपके पुराने ग्राहकों से, समझदारी बात, पुराने ग्राहकों से ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा जो कि अब तक आपको नहीं मिल रहा है। समझ में आ गई बात? व्हाट इज माय पॉइंट? यस या नो जवाब दीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तो पहले ही समझ में आया जी, ये इतना चैप्टर समझ में आ गया। देखिए पहले एक चीज समझ लीजिए, जिस भी दुकानदार के पास आप जाते हैं, मैं आपसे फिर कहूंगा, जिस भी दुकानदार के पास आप जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, उस शॉपकीपर के पास समय दीजिएगा अपना पूरा भरपूर, क्योंकि एक व्यक्ति को आप बिजनेस के साथ जोड़ने जा रहे हैं और वो बहुत अच्छी इनकम देने वाला है आपको। मैं उसके बारे में भी दिखाऊंगा आपको, ये जो हम इतनी अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका कोई रिटर्न भी आने वाला है क्या? क्योंकि बिना रिटर्न के कोई मजा नहीं आता। मेरे गुरु ने एक चीज बड़ा अच्छी मुझे सिखाई कि बेटा जितना भी समय लगा रहे हो ना, उस समय का रिटर्न आना चाहिए, समय वहां लगाना, अन्यथा उस जगह पर बैठने की भी जरूरत नहीं है जहां आपको उसका रिटर्न ना मिलता हो। अब रिटर्न ऐसा नहीं कि प्रॉफिट पैसे से ही आता है, ज्ञान के प्रति आ सकता है, बहुत सारी तरीके का रिटर्न होता है, अच्छे रिश्तों में मिठास जब आ रही है, कहीं बैठ रहे हैं समय दे रहे हैं आप, लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहां पर जाके आप बैठते हैं और अपने ज्ञान अगर शेयर करते हैं और वहां पर अगर कुछ रिटर्न मिल रहा है, प्यार मोहब्बत मिल रही है, रिटर्न रूप में होती है, प्रॉफिट के रूप में होती है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जी। शालू जी थैंक यू, आगे चलते हैं हम। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या रहेगा, मैंने अगला क्वेश्चन था हमारा था वो था ये, वो क्या कह रहा था, उसके पास ईगो था, ईगो बहुत है, शॉपकीपर के पास बिजनेस चला रहा है, उसके पास ईगो बहुत है। वो क्या कहता है, मैं पहले से ही एक अच्छा व्यापार मतलब बिजनेस चला रहा हूँ, मैं पहले से एक अच्छा व्यवसाय चला रहा हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। कितना साफ शब्द तुम बोल दिया, आई डोंट नीड यू। गलत बात है यार, इसने तो झड़ी कर दी हमारी, बेइज्जती कर दी। मैं कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, हम तो क्या पहुंचे थे इसके पास अपॉर्चुनिटी लेकर और इसने तो इंसल्ट कर दी। दिस इज रॉन्ग, बोलता है आई एम ऑलरेडी रनिंग ए गुड बिजनेस। वो बोल रहा है आपसे, मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूँ? अब आपको इसको इसको इसके ईगो को खत्म करना है, समझ रहे हैं बात को, इसके ईगो को खत्म करना है कि भैया देखो आप बिजनेस अच्छा चला रहे थे लेकिन और अच्छा चला सकते हैं अगर हमारे साथ आ जाते हैं, और अच्छा चला सकते हैं, जो कि पीछे हम क्वेश्चन में बता चुके हैं कि और अच्छा कैसे चला सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, क्वेश्चन नंबर टू जो मैंने अभी आपको समझाया था पूरे ग्राहक पूरे तरीके से इसमें। अब इनके दो तरीके हैं, पहले वाले में और दूसरे वाले में। यहाँ पे भी हमने वही क्वेश्चन, सवाल दो थे, आंसर एक ही है, लेकिन एक में पूरा कंप्लीट दोनों का, समझ लीजिएगा बात को। एक बंदे का ईगो था कि मैं क्यों आपके साथ जुड़ू, मेरे तो अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आपने उसको समझा दिया कि भैया लॉस में चल रहे हो आप, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, समय पूरा दे रहे हो, पैसा पूरा खर्च कर रहे हो, सब कुछ देने के बाद भी लॉस में चल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी सेल ज्यादा नहीं है। भले ही आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो आपको लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी आप लॉस में चल रहे हो। पूछेगा वो आपसे, आप बता सकते हैं कि क्यों लॉस में चल रहे हैं और वो आपके सामने लिख के दिया। आगे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन था उसका, व्हाट इज द मार्जिन आई विल गेट इफ आई बाय ए प्रोडक्ट फॉर एंटी शॉपिंग। बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे वो पूछ रहा है कि भैया अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ तो आप क्या मार्जिन देने वाले हैं, और यही फंसा देगा वो हमें, क्योंकि अभी हम सर्विस नहीं दे रहे उसको बाइंग की, लेकिन फिर भी आप यहाँ बता सकते आंसर क्या है इसका। ये अगर आप एनवी शॉपी के साथ आते हैं तो एनवी शॉपी, आपका आंसर समझिए, सुनिएगा और उसको रिप्लाई दीजिएगा। अगर आप एनवी शॉपी के साथ आते हैं तो कंपनी आपको अपना आपका स्थायी ग्राहक देगी, मतलब आपको अपना जो है उसका अपना जो ग्राहक है वो अपना स्थायी ग्राहक आपको देगी। उसी क्षेत्र तक कोई अन्य विक्रेता या फ्रेंचाइजी नहीं खोलती कंपनी जिस एरिया में आप सर्विस दे सकते हैं, जहां तक आप अपनी ऑनलाइन डिलीवरी दे सकते हैं। कंपनी क्या बोल रही है कि हम आपको अपने साथ जब जोड़ते हैं तो हम आपको ये देखते हैं कि अगर जिस एरिया में आप सर्विस दे पा रहे हैं, जितनी कैपेसिटी आपकी है, हम उतने एरिया तक ब्लॉक कर देंगे, हम फिर कोई दूसरा वेंडर आपके वाला आपके जैसा टाइप का कोई दूसरा वेंडर आपके साथ अपनी कंपनी में ऐड नहीं करेंगे।
आप जब हाथ खड़े कर दोगे कि भाई इतने किलोमीटर तक मैं सर्विस दे पाऊंगा, उसके बाद नहीं दे पाऊंगा, तो हम फिर आगे जाकर बात करेंगे। तो कंपनी का मकसद है एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरा स्टेशन, तीसरे स्टेशन से चौथा स्टेशन कनेक्ट करते हुए चले जाए। मतलब अगर मुसाफिर निकले अपनी मंजिल के लिए तो हर स्टेशन पे उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। समझ वाली बात? तो ये बेनिफिट है उसको। अब मार्जिन कैसे आएगा, मार्जिन कैसे आएगा? एनवी शॉपी आधुनिक व्यापार द्वारा खरीद और बिक्री सहायता प्रदान करेगा। समझ वाली बात? Envy Shopee will provide purchase and sales support by modern trade. यानी कि हम modern trade की तरह तरीके से खरीदेंगे और उसी तरीके से हम आपका सेल भी करवा रहे हैं। तो अब आपको हमारे साथ जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन आपको ज्यादा मिलेगा। अब मार्जिन के लिए पूछता है कि कितना मिलेगा, तो कहना सर डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारी परचेजिंग आने वाले समय में बहुत बड़ी स्केल पर होने वाली है, क्योंकि हम सेंट्रलाइज परचेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझिएगा बात दोस्तों, सेंट्रलाइज मतलब एक सेंटर हमने बनाया है दिल्ली, और यहाँ से पूरी इंडिया के लिए परचेसिंग होती है, पूरी इंडिया के लिए यहाँ से परचेसिंग होती है, खरीदारी होती है। तो सेंट्रलाइज परचेसिंग करते हैं, जो कंपनी सेंट्रलाइज परचेसिंग करती है उसको सबसे ज्यादा मार्जिन दिया जाता है। लिख लीजिए इस बात को अगर आप लिखना चाहें, सेंट्रलाइज परचेसिंग कंपनी करती है। ये बच्चों लोगों की देना, चाय पी लीजिए आप लोग भी डिजिटल। चलिए बिजनेस के साथ साथ सभी का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो आगे चलते हैं हम कि ये कंपनी उनको बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं कि मॉडर्न ट्रेड के तरीके से हम माल खरीदते हैं, डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चर से माल खरीदते हैं और सीधा कस्टमर को लाकर आपको लाकर देंगे, यानी कंपनी आपको लाकर देगी। उसका मतलब ये होगा कि बीच का जितना भी जो मार्जिन है वो तरीके से आपके पास आएगा। तो आने वाले समय में 5-6 महीने बाद कंपनी जब ये काम स्टार्ट करेगी तो आपको हमसे बहुत बड़ा मार्जिन मिलने वाला है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब अगला है, यहां पर एक वेंडर क्या पूछ रहा है आपसे, क्या हम वेंडर में किराना के अलावा, ये अब वेंडर का नहीं बल्कि ये उस लीडर का क्वेश्चन था, मैंने एक आपकी डाउनलाइन का क्वेश्चन था, तो आपकी डाउनलाइन में उसका क्वेश्चन है, क्या हम वेंडर में किराना के अलावा किसी और को जोड़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका मुझसे अधिकतर होता है और यही क्वेश्चन आपकी टीम में आपसे होगा, तो बिल्कुल अब इसका आंसर सुनिए। यस, हाँ बिल्कुल, आप सेवा प्रदान, यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर हमने लिखा है, जो सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं, प्रदाता हैं। अब ये सेवा प्रदाता कौन, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, समझ रहे, डॉक्टर, ऐसे लोग जो कुछ बेच नहीं रहे वो क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। समझ मारी बात, चीजों को समझिएगा बात को, हम हर चीज को अपने साथ लेकर आ रहे हैं जो बिकती है, जो सेल होती है या जिसमें मार्जिन है, सीधी सी बात है। अब इसमें किस टाइप की चीजें हैं वो हमने यहाँ पर आपके सामने शेयर की, बस कुछ ही देर के बाद। तो यहाँ चलते हैं, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी कैफे, जूस की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, दर्जी है अगर कोई, टेलर समझते, मोबाइल रिपेयर करने वाला, इस टाइप की कोई शॉप। आप हर व्यक्ति को या फिर कोई मैन्युफैक्चर, निर्माता, विक्रेता यानी कि सप्लायर, इनको भी कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं कि अगर आप किसी भी एरिया में जहां रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वहां के बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कंपनी के साथ जोड़ते हैं तो वहां भी आपको 0.1% मिलेगा। अब कंपनी उनसे खरीदेगी, वो हमसे नहीं खरीदेंगे, समझ में आ रही बात, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चर कंपनी उससे खरीदेगी। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं या आपकी टीम में कोई जानता है या वो कोई जानने वाला है तो आप उनसे बोल दीजिए, 0.1% कंपनी आपको उनपे भी देगी। समझ वाली बात, 0.1% रुपए में, 100 रुपए में 10 पैसे। नहीं, हमने खाली कनेक्ट तो ही कराया कंपनी से, पूरी इंडिया में कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया मतलब कहीं भी, अगर आपकी कोई जान पहचान है, आप दिल्ली रहते हो, आपके मुंबई में कोई जान पहचान मैन्युफैक्चरिंग करता है, मुंबई वाले से मिलवा दीजिए, कर्नाटक में है तो कर्नाटक से मिलवा दीजिए, हैदराबाद में हैदराबाद से मिलवा दीजिए, कोलकाता में कोलकाता से मिलवा दीजिए, पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी बिजनेस करने वाला अगर है, अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल कीजिए, फायदा लीजिए,
सी चीज ये जान पहचान का प्रॉफिट ले। मैंने फिर कहा ना कि समय वहां लगाओ जहां मुनाफा गलत से मत जाना। ओके आगे चलते, समय बहुत कम है ना हम लोगों का, समस्या ही है जी। कोई भी दुकानदार आपसे पूछता है कि उसका क्या मार्जिन होगा, तो कहना सर जब हम ये चीज लेकर आएंगे तो आपको बता ही देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। बस इतना क्वेश्चन करके उसको चैप्टर क्लोज कर देना है आपको, अगर कोई खरीदने की बात करता है वेंडर आपसे। तो वैसे तो हम आज की डेट में बात करें 15% से लेके 20% तक आप उसको बोल सकते हैं। कंपनी वैसे तो 15 से 20% तक का मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन मतलब टोटल सेल में जितना भी आप परचेस करते हैं उसमें 15 से 20% का मार्जिन फ्लैट हम देते हैं। आप हमारे प्रोडक्ट को उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट में है 10% तो किसी में है 50%, किसी में 30%। अगर टोटल सेल पे देखता है बंदा व्यक्ति हमसे तो 15 से 20% का मार्जिन हम देते हैं। क्लियर है, आगे चलते। ओके तो आगे चलते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं, श्रीनगर में ज्वाइन करा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करा सकते हैं, कटरा में ज्वाइन करा सकते हैं, आप पूरी इंडिया में कहीं भी ज्वाइन करा सकते हैं जी। आगे चलते, अब ये क्वेश्चन है आपका, इन सबको जोड़ने से फील्ड वर्कर को क्या फायदा होने वाला है, यानी कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वैसे मैंने आपको बताया, लेकिन यह एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बड़ा सिंपल तरीके से उदाहरण के तौर पर बताया, इन सबको जोड़ने से फील्ड वर्कर को उनकी सेवा बेचने या प्रदान करने के लिए कमीशन मिलेगा। बहुत साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कैसे मिलेगा। मान लो कंपनी 10 लाख का माल खरीदा किसी वेंडर से या किसी मैन्युफैक्चरर से, तो उसमें हमने यहाँ पर दिखाया कि आपको क्या मिलने वाला, 1% आपको मिलेगा अगर हम किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते हैं आपको मिलेगा। दूसरा, अगर वो सेल होती है जिस वेंडर को आप अपने साथ जोड़ रहे हो, चाहे वो किसी टाइप का वेंडर हो, तो मान लो उसकी जो सेल हो रही है उसकी सेल का 0.3% मिलेगा आपको। कितना, 0.6। मान लो आपने एक शॉप कनेक्ट कराई कंपनी के साथ, उसमें 10 लाख हो गया। अब बात ये थी, करा क्या है, सिर्फ एक बार कंपनी के साथ कनेक्ट तो ही कराया था, कंपनी ने आपको इनरोल कर दिया, आपकी आईडी में वो कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया। अब जितनी बार भी यहाँ सेल होती है, पैसा आपके पास टकटक पहुंचा जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा था कि इससे कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। मान लो ऐसी आपने 10-20 दुकानें जोड़ दी अलग अलग एरिए में, तो अब एक ऐसी इनकम आने वाली है आपको जिसका कोई आपने आगे तक अनुमान ही नहीं लगाया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी कभी ट्रेडिशनल बिजनेस भी हो सकता है, और एनवी शॉप ही आपके लिए ट्रेडिशनल बिजनेस के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग में दिख रही है। ठीक है राहुल जी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि आप अपने एक वेंडर को जोड़ा है, उसकी इमेजेस वगैरह दिखाएंगे आपको, जबरदस्त बंदा है, मीटिंग के बाद हमसे बात कीजिएगा। बिल्कुल सर, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लंच का टाइम हो गया आप लोगों का आई थिंक, और मैंने आपको घेर के बैठा हुआ हूँ मैं 1:30 बजे से आपको, तो उसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। ये था जो हमारा पूरा स्लैब था जो मैंने आपके साथ शेयर किया माय डियर फ्रेंड, और रीजन ये था जब तक आपको खुद नहीं पता होगा तो आप कैसे आगे किसी को शेयर कर पाएंगे। आप ये पीडीएफ हम आपको शेयर करने जा रहे हैं, ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगी। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो अपने लाइन से डिमांड करिए, वो आपको दे देंगे। सर 0.3% वेंडर से मिलेगा जी, कोई भी वेंडर से आप जिस वेंडर को आप जोड़ेंगे, अगर एनवी शॉपी यानी कि जो हमारा लिंक है, यानी कि हमारे ग्राहक जितना खरीदेंगे उसका 0.3% आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। छोटी सी कंडीशन है, उन कंडीशन को आपको पीडीएफ में भी दे दी गई है, उसको देख लीजिएगा। वैसे तो कोई ज्यादा हमने ऐसे हार्ड वो कंडीशन नहीं रखे, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि हम चाहते हैं कि आप उस वेंडर के पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को पहुंचाएं, मतलब लोगों को जोड़ना शुरू करें। खाली वेंडर को जोड़ के नहीं छोड़ना है आपने, उसको सर्विस भी देनी है, उसको लोग भी देने हैं, तो वो काम भी हमारा ही है, समझिएगा बात। तो इन सब चीजों को आप पीडीएफ में बिल्कुल साफ लिख दिया गया है, आपकी जो पीडीएफ है उस प्लान पीडीएफ, उसमें ये वेंडर की कंडीशन भी डाल दी गई है, फ्रेंचाइजी की भी कंडीशन डाल दी गई है, आप देख सकते हैं जी। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम इसलिए आके समझाया कि आप इस तरीके से लोगों को ब्रीफ कर सकते हैं, करना अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जिस भी एरिया में आप रहते हैं। बस मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरीके से आप ये पूरी डिटेल्स आप ब्रीफ करेंगे तो आपका काम करना और आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, समझ रहे हो आप।
थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी लोगों का आज के लिए। मिलते हैं हम लोग शाम को 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। फोकस कीजिए कैपिंग पे, फोकस कीजिए कार्पेट हाउस पे। कुछ समझ में आया, यस या नो में जवाब दे दीजिए फटाफट, फिर हम लोग बाय बाय करेंगे।